हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जानेंगे कि उस फॉर्मूलास क्या है और जिससे ये सब फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग सम्स को, किसी भी सम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे कुछ यूज़फुल डेटाज है। पी वैल्यू, इसको एप्सिलन बोलते हैं, इसका वैल्यू है 2.7183। इसको याद रखना है। पाई का वैल्यू होता है 3.1416। लॉग 10 बेस ई, लॉग 10 बेस ई का वैल्यू होता है 2.3026। लॉग 3 बेस ई का वैल्यू होता है 1.0986। रूट 2 का वैल्यू 1.4142। रूट 3 का वैल्यू 1.732। लॉग 2 बेस ई का वैल्यू 0.6931 एंड लॉग ई एप्सिलॉन बेस 10 का वैल्यू होता है 0.4343 एंड 1 फीट इज इक्वल टू 30.48 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर एंड 0.3048 मीटर्स। इसमें से आप लोग को बहुत सारे पता होंगे फॉर्म वैल्यूज़, एंड जो नहीं पता उसको हम लोग रिमेंबर कर लेंगे, ताकि जो भी सम्स हम लोग बनाएंगे अगर उसमें वैल्यू का यूज़ होता है तो हम लोग उस वैल्यू को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अलजेब्रा। हम लोग अलजेब्रा देखेंगे। अलजेब्रा में एक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन ये होता है, जहाँ ए बी सी कोई नंबर्स है एंड एक्स स्क्वायर एंड एक्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक्स का हाईएस्ट पावर 2 होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होता है। एक रूट्स, उन दोनों रूट्स को हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा बोल रहे हैं। उसका वैल्यूज़ हमें इससे मिलेगा, अल्फ़ा और इससे बीटा। सो ये 2 रूट है। अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है और इसमें हम बी का वैल्यू, ए का वैल्यू, सी का वैल्यू पुट करते हैं, तो हमको इस दो फॉर्मूले से रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स आसानी से मिल जाएंगे। और दोनों रूट्स का सम माइनस बी बाई ए होता है और दोनों रूट का प्रोडक्ट सी बाई ए होता है। यहाँ पे जो सी है, इस सी एंड बाई ए जो कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। रूट्स आर इक्वल इफ़ दोनों, ये दो जो रूट दिया हुआ है अल्फ़ा एंड बीटा, ये दोनों इक्वल होगा। कब होगा? जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो। नेक्स्ट है, दोनों रूट्स रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, मतलब अल्फ़ा एंड बीटा दोनों रियल वैल्यू दे रहा है और दोनों अलग अलग रहेगा, अभी इक्वल नहीं रहेगा। तो इसका कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नेक्स्ट है, रूट्स आर इमेजिनरी। कभी कभार हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट इमेजिनरी में भी मिलता है। ये दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे। ये कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यूज़ लेस देन 0 निगेटिव आता हो तो हमारा रूट्स इमेजिनरी होता है। नेक्स्ट है प्रोग्रेशन। इसमें हम लोग AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे। इसमें नंबर्स ए प्लस डी, ए प्लस 2d आर सेट टू बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जो नेक्स्ट टर्म हमेशा एक कॉमन जो डिफरेंस है, एक कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल रहेगा। कोई भी दो नंबर का जो भी हम लोग डिफरेंस लेंगे वो हमेशा इक्वल होगा। जैसे ए प्लस डी माइनस ए, डी आएगा। ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी इज इक्वल टू भी डी आएगा। सो हमेशा जो भी कॉमन डिफरेंस होगा वो यहाँ पे डी आएगा। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म ये है। तो ऐसे जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं उसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
अगर हमको बोले कि ऐसे नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर दिया हुआ है, इसका पूछे कि nth टर्म, nth टर्म क्या होगा, n नंबर पे कौन सा टर्म होगा, या 50 नंबर पे जो टर्म्स आ रहा है वो कौन सा है, सो उसको हम लोग इस फॉर्मूले से ईजली पता कर सकते हैं। यहाँ पे tn टर्म n, nth टर्म हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो भी हमारा फर्स्ट टर्म a है उसमें प्लस करेंगे n माइनस 1 इंटू डी, जो टर्म हम लोग निकाल रहे हैं उससे एक माइनस एंड इंटू कॉमन डिफरेंस, तो हमारा nth टर्म निकल जाएगा। नेक्स्ट है सम ऑफ द nth टर्म, जो भी हमको दिया हुआ है यहाँ पे, जो भी हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर्स दिया हुआ है, सपोज हमको जोड़ना है उसको, उन सभी को जोड़ना है कितने nth टर्म तक, तो उसका फॉर्मूला है n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो इस फॉर्मूले से हम लोग nth टर्म का सम्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि नेक्स्ट नंबर को अगर प्रीवियस नंबर से डिवाइड करेंगे तो एक कॉमन, यहाँ पे स्क्वायर होगा क्यूब नहीं, सो एक कॉमन रेशियो आएगा, तो इन सभी का रेशियो, कॉमन रेशियो जो बोलते हैं, यहाँ पे r है फर्स्ट टर्म, ये है इसमें कॉमन डिफरेंस आता है और इसमें कॉमन रेशियो r होता है। इसका अगर nth टर्म बोले तो a इंटू आर टू डी पावर n माइनस 1, जो टर्म निकाल रहा है उसका एक माइनस r के पावर में रहेगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे a से फर्स्ट टर्म से। अगर बोले कि सम ऑफ द n टर्म क्या होगा, तो सम ऑफ द n टर्म होता है a इंटू फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस r टू डी पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r। अगर इन्फिनिटी तक का सम बोले तो a बटा 1 माइनस r, यहाँ पे r हमेशा 1 से कम होगा। नेक्स्ट है नंबर्स, 1 बाई a प्लस डी, 1 बाई a प्लस 2d आर सेट टू बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ऐसे नंबर्स को हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जो डिन्यूमरेटर में एक अंतराल में बढ़ता रहता है। दैट इज द सीक्वेंस इज सेट टू बी द हार्मोनिक इफ द रेसिप्रोकल्स आर इन एपी। अगर इसका रेसिप्रोकल्स एपी में है, जैसे 1 बाई a है तो इसका a हो जाएगा, 1 बाई a प्लस d है तो इसका a प्लस d रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा। सो अगर कोई भी सीक्वेंस का रेसिप्रोकल एपी में है तो उसको हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसका nth टर्म क्या होगा, 1 बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो एपी में था nth टर्म, यहाँ पे उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, सो हमारा ये nth टर्म निकल जाएगा। नेक्स्ट है If A and B be two numbers, then there, अगर कोई दो नंबर दिया हुआ है, A और B दो नंबर्स है, अगर उनका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो क्या आएगा, दोनों नंबर को जोड़ के डिवाइड बाई हाफ, मतलब 1 बाई 2 इंटू ए प्लस बी। जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ए इंटू बी, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट का अंडर रूट। हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2ab डिवाइड बाई 1a प्लस b। सो ऐसे हम लोग अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल नंबर्स, सपोज ऐसे नेचुरल नंबर्स दिया है, हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, ये होता है 1, 2, स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n, मीन्स इट विल कंटिन्यू, ये बढ़ता रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5 चलता रहेगा। अगर इन सब का सम निकालना हो कि जो भी नेचुरल नंबर्स दिया है उन सब का सम निकालना है, तो हम लोग ए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अगर वो सभी नेचुरल नंबर्स स्क्वायर्स में हैं, ए सपोज ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
एन का स्क्वायर, इन सभी को अगर ऐड करना हो तो हमारा जो फॉर्मूला यूज़ होगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। अगर ये स्क्वायर ना हो कि क्यूब हो, वन का क्यूब, टू का क्यूब, थ्री का क्यूब, एन का क्यूब, सो उसका जो फॉर्मूला समेशंस होगा उसका एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, जो भी हम नेचुरल नंबर का जो समेशन होता है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमको एन क्यूब का मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन, व्हेन एन इज़ लार्ज एन फैक्टोरियल, अगर एन बहुत बड़ा है तो एन का फैक्टोरियल क्या हो जाता है, नियर अबाउट किसके हो जाता है, अंडर रूट टू पाई एन इंटू एन टू डी पावर एन ई टू डी पावर माइनस एन। नेक्स्ट है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको याद रखना है। परमुटेशन को लिखते हैं एन पी आर, इसका फॉर्मूला है एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एन का फैक्टोरियल का मतलब होता है कि एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू वन, जब तक कि वन ना आ जाए। सपोज़ यहाँ पे लिखा है थ्री का फैक्टोरियल, थ्री का फैक्टोरियल क्या होगा, थ्री इंटू टू एक कम, फिर इंटू एक कम वन, वन आ गया। अब इन तीनों को जो प्रोडक्ट होगा वो थ्री इंटू टू इंटू वन इज इक्वल टू सिक्स, सो थ्री का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, सिक्स। सो ऐसे फैक्टोरियल है निकालते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर का फैक्टोरियल, जो भी यहाँ आर दिया हुआ है, अगर दोनों को कॉम्बिनेशन करके लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे एन सी आर इज इक्वल टू एन पी आर डिवाइड बाई आर का फैक्टोरियल। एन ये याद रखना है कि एन सी एन माइनस आर इज इक्वल टू एन सी आर, दोनों बराबर होता है, और एन सी जीरो का मान हमेशा एक होता है और एन सी एन का भी मान एक ही होता है। बाइनोमियल थ्योरम, ये थ्योरम भी यूज होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एन प्लस वन टू डी पावर एन, एन इज अ पॉजिटिव नंबर, जब ये एन एक पॉजिटिव नंबर हो तो ये कैसे बढ़ेगा, पहले वन उसके बाद एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर एन सी थ्री एक्स क्यूब एन सी एन एक्स टू डी पावर एन। ये एन सी एन क्या है, ये कॉम्बिनेशंस है, इस कॉम्बिनेशंस को ऊपर जैसे फॉर्मूला दिया है एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल ऐसे लिखेंगे, सो मेरा जो भी रहेगा इस फॉर्मूले से आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन एन इज़ अ नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन, सपोज एन कोई नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन है, सो हम लोग का ये जो एक्सपांस कैसे होगा, इसको लिखेंगे वन प्लस एन एन इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई वन इंटू टू एक्स स्क्वायर, उसके बाद एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइड बाई वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू एक्स क्यूब, ये चलता रहेगा। जब यहाँ चार टर्म आए जाएंगे, नेक्स्ट टर्म में आएगा यहाँ एक्स माइनस थ्री, सो नीचे आ जाएगा इंटू फोर, इसको हम लोग वन इंटू टू को टू फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं और वन इंटू टू इंटू थ्री को थ्री फैक्टोरियल लिख सकते हैं, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर को फोर फैक्टोरियल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिसेस, इंडिसेस में क्या होता है, इंडिसेस में सपोज ए कोई नंबर है उसके पावर में पावर एम है और एक ए नंबर है उसके भी पावर में एन है, अगर दोनों का प्रोडक्ट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, ए के पावर में दोनों जो पावर है एम एंड एन, एम एंड एन वो दोनों जुड़ जाएगा प्रोडक्ट करने से। अगर सपोज ए के पावर में एम है और इसके पावर में टोटल पूरा एन है, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए टू डी पावर एम इंटू एन, दोनों का प्रोडक्ट। ए के पावर में माइनस एन है तो माइनस हटाने के लिए हम लोग इस बटे में लिखेंगे, तो इसको हो जाएगा वन बाई ए टू डी पावर एन। एनथ रूट ऑफ ए, ए का एनथ रूट इज इक्वल टू वन ए टू डी पावर वन बाई एन, एनथ रूट निकालते हैं ऐसे। और नेक्स्ट है
तो हम लोग पढ़ लिए यूजफुल डेटास, उसके बाद ये भी पढ़ लिए अरिथमेटिक मीन, नेक्स्ट है लॉगरिदम, लॉगरिदम्स में पढ़ेंगे नेचुरल लॉगरिदम लॉग्स आर हैज़ बेस ई एंड इनवर्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, इसका जो इन्वर्स होगा लॉग एक्स का उसका ई टू द पावर एक्स होगा, बेस ई है। कॉमन लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम का बेस में ई रहता है, अगर कॉमन लॉगरिथम लेंगे तो उसका बेस में 10 रहेगा, तो लॉग 10 अगर सपोज लिखा है लॉग बेस 10 इन एक्स इज इक्वल टू एम लॉग बेस ई इन टू एक्स है, तो वेयर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 ई, लॉग ई बेस 10, तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 0.434। सो इसको अगर इस यहाँ पे लिख सकते हैं अगर बेस चेंज करना हो तो, सपोज 10 बेस से ई बेस में जाना है तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉग 1, लॉग 1 का वैल्यू बेस कुछ भी रहे लॉग 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, और लॉग 0 का वैल्यू बेस में कुछ भी रहे माइनस इन्फिनिटी, ए हमेशा नहीं, यहाँ ए हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, नॉट कुछ भी नहीं, ए हमेशा एक से बड़ा रहेगा, और अगर बेस और नंबर्स दोनों सेम रहता है तो उसका वैल्यू 1 आता है। नेक्स्ट है अगर लॉग एम इंटू एन है तो उसको हम लोग लॉग एम इंटू लॉग लॉग एन लिखेंगे, प्लस लॉग एन लिखेंगे, अगर वो डिवीज़न में है तो लॉग एम माइनस लॉग एन लिखेंगे, और अगर लॉग एम टू द पावर एन है, लॉग एम के पावर में एन है, तो ए एन जो होता है लॉग के आगे आ जाता है, तो इसको लिख सकते हैं एन लॉग एम। सो इस प्रकार हम लोगों ने आज डिफरेंट फॉर्मूलेस को देखे, जिसमें था हम लोग का कुछ यूज़फुल डेटास, अलजेब्रा, उसके बाद प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़े APGP एंड HP। नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अगर नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है तो उनका सम्स कैसे करेंगे, नेचुरल नंबर स्क्वायर दिया तो कैसे करेंगे, एंड इस क्यूब दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, उसके बाद है परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, उसको फॉर्मूलाज क्या होता है। नेक्स्ट है बायनॉमिनल थ्योरम्स, जो अगर एन पॉजिटिव है तो कैसे एक्सपांस होगा वो, एंड अगर निगेटिव है फ्रैक्शन है तो इस फॉर्मूले से उसको फॉर्मूलाज आएगा। इंडिसेस के बारे में पढ़े, और नेक्स्ट हम लोग लॉगरिदम्स के बारे में पढ़े, जिसमें हम लोग देखे डिफरेंस फॉर्मूला। सो इसी तरह हमारे नए नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।